नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, दुर्गा शक्ति भर्ती वालों के लिए अभी अभी एक नई खबर आई है। क्या दुर्गा शक्ति भर्ती का रिजल्ट दोबारा से आएगा? वेटिंग वालों के लिए एक ज़बरदस्त धमाका है, बहुत जल्दी होने वाला है ये भी। और ज्वाइनिंग में अभी कितना समय और लगेगा, और यदि रिवाइज रिजल्ट आएगा तो वो कब तक आएगा? यदि आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक एक चीज़ में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा आपको, और बिल्कुल क्लियरली जो डाटा मिला है, एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आप सभी को पता होगा जो दुर्गा शक्ति का रिजल्ट आया है उसके बाद अभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी थी, तो उस टाइम बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो एब्सेंट रहे थे या फिर बायोमेट्रिक मिसमैच मिली थी, यानी कि गलत तरीके से लगे हुए हम कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट इसमें मिल गए हैं जो या तो बायोमेट्रिक मिसमैच है या फिर एब्सेंट पाए गए थे। तो अब HSC क्या प्लान बना रही है, एक बार दोबारा से फिर से जो है बुलाया जाएगा। किन को बुलाया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको, दूसरा जो एब्सेंट थे उनको, और जिनको अभी डाउट है बायोमेट्रिक मिसमैच हो गई है लेकिन किसी तरीके से वो अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं तो एक उनको। तो इन जो तीन टाइप के कैंडिडेट हैं उनको दोबारा से बुलाया जाएगा, और उनमें से जो टॉप में होंगे, यानी कि टोटल जितनी वैकेंसी है 500 के आसपास, तो उतने कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो वेटिंग में जितने भी है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो है अभी सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग है अभी ही होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जो कि बायोमेट्रिक में गलत तरीके से पाए गए या फिर एब्सेंट है। तो एब्सेंट का मतलब भी आप जान सकते हैं, अगर सही होते तो नौकरी से कौन वंचित है, तो जो है ज़रूर पहुँचते वो। अब आपको बता देता हूँ ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा। तो जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा, जो ये प्रोसेस है दोबारा बायोमेट्रिक के लिए बुलाने का, उसका प्रोसेस शुरू हो गया है और अगले एक वीक के अंदर अंदर ये काम करवा दिया जाएगा। यानी कि दोबारा से बायोमेट्रिक के लिए एक वीक के अंदर अंदर बुला लिया जाएगा, और फिर से एक लिस्ट जारी होगी दोबारा से, जो वेटिंग और वो सबको मिला के, और वेटिंग के लिए नए कैंडिडेट भी ऐड होने के चांसेस है। तो अब आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी और बायोमेट्रिक का ये पूरा प्रोसेस है ये भी करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।